क्यों नहीं प्रेडिक्ट किया है उसकी भी वजह आपको बता देता हूं, एक मिनट सबर कीजिए। तो अब ई तो बाहर आ जाएगा, जैसे ही ई बाहर आएगा और इसका इंटीग्रेशन, आपको आंसर या तो यहां आप लिखते हो स्फेयर या तो लिखते हो सिलेंडर। अब आपने यहां पे क्या डायरेक्ट ए लिख दिया, ये क्या हो गया ट्वाइस ऑफ ई ए, ये हुआ इक्वेशन नंबर वन। अच्छा अब ये पिल बॉक्स कंटेन करता है क्यू चार्ज को, लेकिन वो क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम लिखेंगे लेट सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी। कौन सी चार्ज डेंसिटी है ये, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो देन बाई गॉस थ्योरम, देन बाई गॉसेस थ्योरम, अब गॉस थ्योरम लगाओगे तो गॉस थ्योरम के हिसाब से फाई ई की वैल्यू क्या आएगी बेटा, क्यू इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो, लेकिन यहां पर क्यू इंक्लोज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है ए एरिया पर, इसलिए हम यहां पर लिखेंगे ट्वाइस सॉरी सिग्मा इनटू ए। फार्मूला आपको बता ही चुका हूं, आ रहा हूं नंबर दो, ये दूसरा हो गया। अभी इक्वेटिंग वन एंड टू, इक्वेटिंग वन एंड टू, एक और दो को इक्वेट कर लीजिए, तो टू ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ए से ए कैंसिल हुआ, ई की वैल्यू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो। तो एरिया आपके मानने में कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि कि आप यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे कहीं भी लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है और वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, सरफेस चार्ज डेंसिटी पर। इसीलिए इसका ग्राफ और इम्पोर्टेंट हो जाता है एक नंबर के क्वेश्चन के लिए। हम यहीं पर इसका ग्राफ बना देते हैं आपके लिए वो ग्राफ, क्योंकि बेटा इसमें आर नाम की कोई चीज नहीं है, इसीलिए जब एक्सपेरिमेंटली ये वेरीफाई कर लिया गया तब इस तरीके से डेरिवेशन किया गया। ये टोटल लॉजिकल डेरिवेशन है, इसमें आप क्यों का ना करें कि सर इसमें उससे पहले तो आपने वो लिया साइट का पूरा एरिया रखा, मैंने आपसे क्या कहा ये इनफाइनाइट शीट का मामला है, इसलिए हमने एक एलिमेंट्री एरिया ए मान रखा है और उसी का हम सब कुछ करेंगे। तो ये यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आ जाती है और स्ट्रेट लाइन की वैल्यू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आर है, यानी आर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती बढ़ती नहीं है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए यहाँ पर एक ट्रांसवर्स लाइन खींच दी गई है। ये ग्राफ इसे भी नोट कर लो, अब हम इसकी एप्लीकेशन सीखेंगे, इसकी भी एप्लीकेशन है वो हम सीखेंगे।